हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचआरजी ब्यूटी हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके बॉडी में होने वाले जैसे अंडर आर्म और आपकी घुटने और आपकी कोहनी पर जो भी कालापन होता है उसे आसानी से रिमूव कर देगा। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही आसान है, इसका आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी 100% वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे रेड बेल आइकन को दबाएँ जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक कोलगेट और नारियल का तेल और नमक। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आइए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एक कटोरी लूँगी और इसमें मैं लगभग एक चम्मच नारियल का तेल ऐड करूँगी और फ्रेंड्स इसी में मैं ऐड करूँगी उतने ही अमाउंट में कोलगेट का पेस्ट और इसमें जो हमारी लास्ट चीज़ ऐड होगी वो है नमक। फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब मैं इसे अपने हैंड पर अप्लाई करके बताऊंगी। उसी तरीके से आपको इसे अपने अंडर आर्म और कोहनी और घुटने में लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपने जितना भी आपका काला भाग है आपकी स्किन का उस पर इस तरीके से इसे लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नारियल का तेल होता है वो आपके चेहरे को या फिर आपकी स्किन पर कहीं पर भी कालापन है उसे नरिश करता है और अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और फ्रेंड्स, कोलगेट आपके स्किन के टोन को बढ़ाता है और जो नमक होता है वो इसके अंदर जो भी कालापन होता है उसे रिमूव कर देता है। और फ्रेंड्स, ये स्क्रबर की तरह काम करेगा, आपको अपने अंडर आर्म पर इस तरीके से इसे लगा कर लगभग 5 मिनट तक इस तरीके से मसाज करनी है और उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो भी घुटने या फिर कोहनी या फिर अंडर आर्म पे जो भी कालापन है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और 5 मिनट में आप अपने स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।